उज़्बेकिस्तान की मलेशिया बन रही है इस वक्त, ठीक है वहाँ ताजिकिस्तान बन रही है, वहाँ हजारास की एक जी मलेशिया बन रही है, और ये इन मलेशियों का मकसद यही है कि तालिबान को मकामी सतह पर इंगेज किया जाए, ताकि जो सी पैक का मनसूबा है रोड, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा। तो मोहम्मद साहब, अफगान रहनुमाओं की जानिब से ये जो अफगान बहरान है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है, जो कि यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है, क्योंकि लेकिन एक अहम इंटरव्यू हुआ है, वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली मसूद का अमरीकी टेलीविजन, और पाकिस्तान को एक बार फिर खुली धमकी दी गई है उस इंटरव्यू के अंदर। तो ये तहरीके तालिबान एक तो ये है पाकिस्तान जो है इसका इस मसले में वो दोबारा इस्टेब्लिश होने की कोशिश करेंगे, और कराएगा कौन? अमेरिका भारत इसके और एनडीएस जो भी। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाए। थैंक यू फ्रेंड्स। अमे मुतहदा मॉनिटरिंग टीम ने 28वीं रिपोर्ट सलामती कौंसिल में जमा करवा दी, जिसमें अलकायदा, दाइश और दीगर शिदत पसंद ग्रुपों से खतरात का जायजा भी पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP अफगान हदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। अच्छा, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत TTP के जरिए पाकिस्तान में कोई ना कोई तखरीबकारी करने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है, और इस हवाले से पाक अफगान जो यूथ फोरम है उसके वक्त से गुफ्तगु करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि जी पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाहां है, लेकिन RSS के ज़ेर तसल्लुत भारत अमन चाहता ही नहीं है। अफगान अमन अमल के हवाले से गुफ्तगु करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो ये कि जी हमारी हुकूमत को अपने इस मौके पर अस्करी इदारों की मुकम्मल हिमायत हासिल है कि अफगान मसले का हल अस्करी नहीं, सियासी है। उनका मजीद ये कहना था कि अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने तो तालिबान को अमरीका और अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कायल करने में सख्त जदोजहद भी की है, और खित्ते का कोई और मुल्क पाकिस्तान की इन कोशिशों की बराबरी का दावेदार नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी की फ़ज़ा कायम हुई तो इस वजह से पाकिस्तान में भी सिविल वॉर का खदशा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा अफगानिस्तान में अमन चाहता है, और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं के मोहताजनी माहिर, अफगान अमूर के साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब आपका वक्त देने के लिए। मोहम्मद साहब, अफगान रहनुमाओं की जानिब से ये जो अफगान बहरान है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है, जो कि यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के अमन की बात की है। लेकिन फिर भी मोहम्मद साहब, अफगान रहनुमा इस तरह के बयानात आपके मुताबिक क्यों देते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये तो एक इसके पीछे तो एक लंबी दास्तान है, बहुत बैकग्राउंड है इसका, और इस वक्त वो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त वो अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इस वक्त अमन के रास्ते में और रिकनसिलिएशन के रास्ते में और सेटलमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अशरफ गनी साहब की हुकूमत है, और वो इसलिए है कि उनको ये मालूम है कि अगर सेटलमेंट होता है तो उनको जाना होगा। जो सी पैक का मनसूबा है रोड, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा। तो अब पाकिस्तान के बड़े वाइटल स्टेक्स हैं, लेकिन माजी में हमें ये मानना चाहिए कि माजी में गलतियां होती हैं, माजी में हुकूमतों ने अपनी प्रॉक्सीज को वहाँ इनक्रेज किया है, अपनी प्रॉक्सीज को स्पॉन्सर किया है, उनको सपोर्ट किया है, उसकी वजह से अफगानों के दिल में कुछ शकूक शुबहात ज़रूर हैं। आप जहाँ भी अफगानिस्तान में जाएं तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने कभी एक फैक्शन को, कभी दूसरे फैक्शन को, कभी एक पार्टी को, कभी दूसरी पार्टी को, कभी ग्रुप को, कभी दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता आया है। तो इसकी वजह से कुछ वहाँ पे और जंग जो है वो फैलती जाएगी, और उसका एक खतरनाक पहलू ये है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत ने इस वक्त वहाँ पे मलेशियों को इनक्रेज किया, प्राइवेट मलेशियाज को, और वो एथनिसिटी की बुनियाद पे वो मलेशिया बन रहे हैं। ये और भी ज्यादा खतरनाक बात है। वहाँ उज़्बेकिस्तान की मलेशिया बन रही है इस वक्त, वहाँ ताजिकिस्तान बन रही है, वहाँ हजारास की एक मलेशिया बन रही है, और ये इन मलेशियों का मकसद यही है कि तालिबान को मकामी सतह पे इंगेज किया जाए, ताकि वो काबुल की तरफ पेशकदमी न कर सकें। तो ये एक पेशखेमा साबित होगा खाने जंगी के लिए, और ये एक बड़ा खतरनाक अमल है, क्योंकि अगर मलेशिया बन गए, उन्होंने कार्रवाई
तो मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ेगा और खाना जंगी के असरात जो हैं उन्हें सिर्फ अफगानिस्तान पे बल्कि सारे रीजन पे पड़ें। लेकिन एक अहम इंटरव्यू हुआ है, वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरबरा नूरवली मसूद का अमरीकी टेलीविजन, और पाकिस्तान को एक बार फिर खुली धमकी दी गई है उस इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू का अमरीकी टीवी पर नशर होना और इन हालात के अंदर जिस तरीके से कालदम जमात के बंदे को उन्होंने लिया और उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी, इस तमाम तर जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में जिस तरह हालात बदल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में तहरीके तालिबान का और ये सब एक्टिव होना क्या पैगाम देता है? देखिए, एक्टिव उनको कराया गया है। तालिबान जिस वक्त अमरीका के साथ आखिरी बाउट में, तो आपको पता होगा कि दाइश का कोई वजूद नहीं था अफगानिस्तान में। दाइश इज़ एन अरब फिनोमेना जी। दाइश के क्या पैदा होने से लेके दाइश के ऊपर जाने तक मुकम्मल तौर पे अरब। दाइश के लिए कहीं से कोई बंदा रिक्रूट होकर नहीं गया, ना पाकिस्तान से, ना इंडिया से, ना किसी और जगह से, कहीं से नहीं गया। दाइश में वॉलंटियर्स आए थे, वो बेचारे भोले भाले यूरोप के लोग थे और तुर्की के थे और वहाँ से वो जो पहुँचे थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है ये बुनियादी तौर पर 2007 के आसपास बनी है और नाम बन रहा था, लेकिन अमेरिका चाहते थे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जहाँ पर जो बने, अगर तालिबान के नाम से बने तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है उसकी लड़ाई फ़ौज के साथ होगी, यहाँ के लोगों के साथ होगी और वो हालात के अंदर ऐसी बात बनेगी, क्योंकि उनको कौन एक्टिव करवाना चाह रहा है, इनके पीछे अब आप मुझे बताएं। अब ये इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो है बहुत बड़ी बदजानति कर रहा है। उनको गुज़श्ता 10 साल से कौन पनाह दे रहा था? अफगान गवर्नमेंट दे रही थी, और कौन दे रहा, ठीक है ना, फजलुल्लाह को किसने मेहमान रखा? अफगान गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट के स्पॉन्सर थे। उनके सारे प्लान कहां बनते थे? इंडिया में और एनडीएस में उनके साथ मिलकर बनते थे। ठीक, तो असल मसला यह है कि एक तो ये तहरीके तालिबान एक तो ये है पाकिस्तान जो है इसका इस मसले में वो दोबारा एस्टेब्लिश होने की कोशिश करेंगे, और कराएगा कौन? अमेरिका भारत इसके और एनडीएस जो भी और दाइश की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में। हम दाइश का नाम लेते हैं, मेहरमान मलिक सलक जैसे बात, दाइश नहीं है, टीटीपी ही है और यही दाइश बने की सूरत हाल है, और इसकी ट्रेनिंग जो है वो उसी तरह की वेस्टर्नाइज होती है जैसे वो करते हैं। अफगानिस्तान से रोज नई खबर सुनने को मिल रही है। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि तालिबान के खिलाफ तजाकी, उज्बेक और हज़ारा ग्रुपों ने मिलिशिया बना लिया और उन्होंने तालिबान रोकने के लिए हथियार उठा लिए। इससे पता चलता है सब कुछ अफगानिस्तान में ठीक नहीं चल रहा। तालिबान का रास्ता इतना साफ नहीं है कि जैसे वो सोच रहे थे हम आसानी से काबुल पे कब्जा कर लेंगे। अफगान आर्मी तो टक्कर दे ही थी है, उसके अलावा वहाँ के लोग भी तालिबान से परेशान है। जिस तरीके से उन्होंने औरतों पर अत्याचार करना चालू कर दिया है और नए नए कानून लागू कर रहे हैं उनके ऊपर, उससे अब पूरी दुनिया का ध्यान भी इनकी तरफ खींच रहा है और सब चाहते हैं कि तालिबान ना आए सत्ता में। और खाली एक ही देश है पाकिस्तान जो इसको सपोर्ट कर रहा है, और वो चाहता है किसी भी तरीके से चाइना यहाँ पर आ जाए और हम इंडिया को यहाँ पर डेवलप ना होने दे। मगर ये तो भविष्य की बातें हैं, देखो क्या होता है। और साथ ही साथ टीटीपी जो पाकिस्तानी तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान को साफ धमकी दे दी है कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। इससे पता चल जाता है पाकिस्तान की टेंशन आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है और आगे जाके पता चलेगा इस रीजन में क्या हालात बदलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।